दोस्तों, अगर आप भी मार्शल आर्ट फैन हैं, तो आपने इप मैन मूवी जरूर देखी होगी और शायद आपको यह पता भी हो कि मूवी में इप मैन का जो फाइटिंग स्टाइल था वो विंग चौन ही था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना के फोसान शहर में जन्मी एक फेमस सेल्फ डिफेंस टेक्निक का, जिसका नाम है विंग चौन। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि विंग चौन क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि विंग चौन भी कुंफू, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग जैसी ही कॉम्बैट स्टाइल है और इप मैन ही पहले मास्टर थे जिन्होंने सबसे पहले इस स्टाइल को इतने लोगों के बीच पहुंचाया। और हम सभी के फेवरेट मूवी स्टार ब्रूस ली भी इन्हीं के डिसाइपल थे। पुराने दस्तावेजों के अनुसार विंग चौन की स्थापना भी शाओलिन टेम्पल में ही हुई थी, जिसकी क्रिएटर एक बौद्ध नन थी जिनका नाम एनजी मोई था। वैसे तो विंग चौन एक सॉफ्ट स्टाइल मार्शल आर्ट है, बट क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में ये अन्य मार्शल आर्ट से बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, जिसे इसके कुछ पंचेस एंड डिफेंस और भी ज्यादा एफिशिएंट बना देते हैं। किसी भी अन्य मार्शल आर्ट को लर्न करने में सालों लग जाते हैं, वहीं विंग चौन के प्रिंसिपल थ्योरीज एंड बेसिक्स को बहुत आसानी से कम समय में मास्टर किया जा सकता है। तो चलो बात करते हैं उन प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज की जो विंग चौन को इतना एफिशिएंट बना देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर लाइन, इसे एक ऐसी इमेजिनरी लाइन के माध्यम से समझा जा सकता है जो कि ह्यूमन बॉडी को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती हो, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। और अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि बॉडी के सारे वाइटल पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन पे है। इकोनॉमिकल मोशन, इकोनॉमिक का बेसिक मतलब होता है किफायती, तो इकोनॉमिकल मोशन अटैक को सिंपल, डायरेक्ट और इजी करने पे जोर देता है, वो भी मिनिमम एफर्ट में। इसीलिए विंग चौन में कर्व पाथ अटैक से ज्यादा एफिशिएंट स्ट्रेट लाइन अटैक्स को कहा गया है। ट्रैपिंग भी विंग चौन का एक की प्रिंसिपल है, जिसमें अपोनेंट को ट्रैप किया जाता है, जिससे वो अटैक एंड डिफेंस करने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए विंग चौन क्लोज कॉम्बैट में अन्य मार्शल आर्ट से ज्यादा एफिशिएंट है। वन इन पंच, विंग चौन और जेकेडी मार्शल आर्ट में यूज होने वाली इस सीक्रेट टेक्निक का पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन देकर इसे फेमस करने वाले थे फादर ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट ब्रूस ली। इस टेक्निक में लगभग एक इंच की डिस्टेंस से 150 पाउंड का फोर्स जनरेट किया जा सकता है। तो चलो अब समझते हैं कि विंग चौन को लर्न करना अन्य मार्शल आर्ट की तुलना में आसान क्यों है। तो इसके पीछे का सीक्रेट है इसके लर्निंग का डिजाइन पैटर्न, जो कि इसे 6 पार्ट में डिवाइड करता है, जो कि एक प्रैक्टिशनर की बिगिनर से एडवांस लेवल की जर्नी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें फर्स्ट लेवल पे सिम निम ताओ को रखा गया है, जिसे हम लिटिल आइडिया फॉर बिगनिंग कह सकते हैं। परंतु इसकी प्रैक्टिस एक प्रैक्टिशनर को पूरी लाइफ करनी होती, जिसमें बॉडी को बैलेंस करने के साथ साथ बेसिक अटैक एंड डिफेंस की भी लर्निंग की जाती है। सेकेंड लेवल पे चमक्यू को रखा गया है, जिसे हम सिंकिंग ब्रिज कहते हैं, जिसमें प्रॉपर बॉडी मूवमेंट के साथ सेफली एंड क्विकली डिस्टेंस क्लोज करने की लर्निंग की जाती है। मतलब अपोनेंट को हिट करने के लिए उसके क्लोज जाने की टेक्निक्स पे फोकस किया जाता है। थर्ड लेवल पे ब्यू जी को रखा गया है, जिसमें किसी भी डायरेक्शन में क्विक एक्सेस और शॉर्ट से लॉन्ग रेंज में या लॉन्ग से शॉर्ट रेंज में क्विकली ट्रांसफॉर्म होने की लर्निंग के साथ साथ बहुत सारी इमरजेंसी टेक्निक्स की भी लर्निंग की जाती है। फोर्थ लेवल पे बाद जाम दाऊ को रखा गया है, जिसमें डबल सिंगल एजेस नाइफ्स को एज अ वेपन यूज करने के साथ साथ एडवांस फुटवर्क एंड स्ट्रेंथ को अचीव करने की लर्निंग की जाती है। फिफ्थ लेवल पे लुक डिम बन गाउन को रखा गया है, जिसमें एक लॉन्ग टैपर्ड वुडन पोल जो कि 8 से 13 फीट तक लंबा हो सकता है, उसका यूज एज अ वेपन करने की लर्निंग की जाती है, जो कि प्रैक्टिशनर की अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। मु क्यानजोंग, जिसमें एक वुडन डमी पे विंग चौन प्रैक्टिशनर अपनी स्किल्स को शार्प करता है और साथ में अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को भी इनहेंस करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके अपना प्यार देना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा प्रणाम।